अभी तक हमने देखा कि डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, हमने उसकी डेफिनेशन गए, हम उसके फीचर जाने। अब हमने देखा कि लास्ट जो पास्ट सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज में जो कि डिक्टेटरशिप थी या आर्मी रूल था, वहां से वो डेमोक्रेसी की तरफ गए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की तरफ गए क्यों? ठीक है, तो मतलब सारे कोई भी जाते क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी, ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में कि लोग चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक हो जाए, हम भी आजाद हो जाए, तो मतलब व्हाई डेमोक्रेसी। तो हम इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो उससे पहले हम ना बहस नहीं करनी थी कि लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्ला रहे थे, तो कुछ उसका रीजन क्या था। तो पहले एक क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे थे, तो उन्होंने बहस की कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, पर अभी भी गरीबी है, अभी भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, लोग पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, अपने फायदे के लिए जी रहे हैं, लोगों का सोचते नहीं है, ये सारी चीजें इस गवर्नमेंट में है, तो फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी से कुछ देश का तो भला नहीं हुआ, हुआ ना? तो मैं ये बोलता हूँ कि इसी तरह का डिसीजन हो रहा था। तो मैंने ये बोला कि डेमोक्रेसी में एक आइडियल गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक आइडियल गवर्नमेंट नहीं है, जो कि आप लोगों का आया और फुर से आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप सबको एक अधिकार देती है, आप सबको अधिकार देती है कि आप अपनी गवर्नमेंट चुने। ठीक है, आप लोगों को अधिकार देती है कि आप अपने खुद के निर्णय लें, और अगर आपने जो निर्णय लिए हैं ठीक है, तो आपको उसे सुधारने का मौका देती है, और आप जो बहस कर रहे हैं ये सब कि ऐसा कर सकते हैं, तो आपको बोलने का मौका दे रही है अपनी सरकार के बारे में। और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे आप उसके रूलर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, ये वहां पे होता है। तो हम देखते हैं कि वाई डेमोक्रेसी, तो हम शुरुआत करते हैं कि जो उसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला, गरीबी, कि हमारे देश को आजाद हुए करीबन 17 साल हो गए, और हमारा देश अभी तक हमारे देश में अभी गरीबी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश को जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या गरीबी नहीं थी? उससे पहले भी गरीबी थी, तो हम इसे एक रीजन नहीं मान सकते कि अपनी हम डेमोक्रेसी की तरफ ना बढ़े। ठीक है, तो गरीबी एक मतलब है बड़ा रीजन, उसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, लोग लगे हैं, पर इसे हम ये रीजन नहीं दे सकते कि यार इसने गरीबी नहीं मिटाई तो हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हम तो फिर से ब्रिटिश रूल में जा रहे हैं या हम फिर से राजाओं के शासन में जा रहे हैं। अगला हमने क्या देखा, करप्शन। पहले क्या होता था कि एक रूलर होता था, तो उसकी मर्जी हो सकती थी, वो जो कर सकता था, बाकी लोगों के पास अधिकार नहीं हो सकते थे, बाकी लोग फायदा नहीं उठा सकते थे उन चीजों का। पर जब से डेमोक्रेसी आई तो काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, कैंडिडेट, विधानसभा, लोकसभा, कई सारे मतलब ऑफिशियल्स या पद बने जहां पे जाके लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया, या वो जनता के द्वारा चुने गए। तो वहां पे जाके क्या हुआ कि जगह बट गई। ठीक है, तो वहां पे लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल गया, अपना फायदा करने का मौका मिल गया। तो ये इसका एक कहते हैं ना वीक पॉइंट है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी होने से करप्शन बढ़ा। पर जब नॉन डेमोक्रेसी थी तो वहां पे भी हमने क्या देखा कि तानाशाह अपने हिसाब से राज करते थे, और तानाशाह शायद ही कोई डिक्टेटर रहा होगा जिसने अच्छा रूल किया होगा, इसने लोगों को खुश रखा होगा, मतलब सब डिक्टेटर अपनी मर्जी से अपने घर वालों के लिए अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे, बहुत क्रूर होते थे वो लोग। तो हमने देखा कि करप्शन होता है। हाँ ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या इंस्टेबिलिटी। जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चुनी जाती है, जैसे कि 4 साल, किसी देश में 4 साल, किसी में 5 साल, किसी में 6 साल, इस हिसाब से। तो हमने देखा कि जो एक पार्टी आती है वो टिक पाई 4 साल, 5 साल टिक पाई, उससे पहले उस चुनाव हो गया और वो निकल गई, तो उसके डिसीजन कई बार खारिज कर दिए जाते हैं वो, और उसके जो निर्णय होते हैं ना उन्हें मान्यता नहीं दी जाती, कभी कभी यूज किया जाता है, तो उससे लगा लग जाता है कि इनस्टेबिलिटी है, मतलब कोई अस्थिरता नहीं है उस देश में कि एक पार्टी रूल कर रही है उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, हर टाइम 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 टू टाइम गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, तो उनकी अलग अलग स्कीम्स रहती हैं, अलग अलग पॉलिसी रहती है, वो चीज हमने देखी। ठीक है, तो ये भी इसका एक वीक पॉइंट है। तो अगला अपन देखेंगे डिसीजंस, ये क्या होता है,
गवर्नमेंट में हमने देखा डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे वो ली जाती है, राय ली जाती है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पूरी असेंबली में उस निर्णय को सबको बताया जाएगा, अब उनकी राय पूछी जाएगी, उनके डिसीजन पूछे जाएंगे, और भी जो उस रास्ते में आते हैं ऑफिशियल्स उनकी राय ली जाएगी, उनके भी मत लिए जाएंगे। तो वो सारी चीजें होती है, तो इससे क्या ना ये प्रोसेस होती है बहुत लंबी हो जाती है। तो कोई भी जो विधायक होता है विधेयक पारित करना होता है, अगर कोई भी निर्णय लेना होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या ना उसमें उसका टाइम कंज्यूमिंग बढ़ जाता है और निर्णय का भी लंबा खिंच जाता है। तो ये इसका एक और पॉइंट हो गया। अब अगला है पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको अपनी अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है। ठीक है, कितनी पार्टी चुनाव में लड़ सकती है, ठीक है, ये सब उससे सारे अधिकार मिलते हैं। तो अगर ज्यादा पार्टीज होंगी तो ज्यादा चुनावी मुकाबले हो जाएंगे, तो लोग अपने अपने बातें बनाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ गया, चुनावी मुकाबला बहुत बढ़ गया। इससे लोगों क्या हो गया, मॉरलिटी संस्कार मतलब अच्छी बातें नहीं बनी, सब लोग अपने फायदे के लिए स्वार्थ के लिए देख रहे हैं इन चीजों को। तो इससे जो मॉरलिटी थी जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो ये इसका एक वीक पॉइंट है। ठीक है, और जो इलेक्शन होते हैं, सॉरी इलेक्शन, जैसे कि हमने देखे काफी सारी पार्टीज होगी, तो काफी सारी पार्टीज होंगी तो वो बहुत सारा खर्चा करती हैं, बहुत सारा खर्चा करती हैं, काफी सारा पैसा बहा दिया जाता है कि अपने प्रमोशन में। और जो प्रमोशन होता है वो जनरली क्या होता है कि उसके लिए पैसे तो वैसे देश हर कंट्री में बहुत कम कर रहे हैं, पर इंडायरेक्ट वे से बहुत सारा पैसा आता है। ये बहुत सारा पैसा कहाँ से आता है, लोग तो देते नहीं, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं से आया हुआ होता है, और ये जनरली भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा देता है। तो ये एक रीजन है इलेक्शन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का। और इलेक्शन क्यों होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि इलेक्शन होता है हर टाइम टू टाइम, तो वही तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर वहां पे लोगों को अपना अधिकार चुनने का मौका मिले, और वहां की गवर्नमेंट हर टाइम टू टाइम इलेक्शन कराती रहे, पर इलेक्शन कराने से खर्चा हो रहा है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। तो ये भी इसका एक वीक पॉइंट है। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, पर इससे इसके हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे थोड़े टाइम में। अभी तक तो हमने पढ़ा आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो उसमें हमने पढ़ा था पॉप गरीबी भ्रष्टाचार इलेक्शन की वजह से जो खर्चा बढ़ रहा था वो सब, पॉलिटिकल कंपटीशन से मॉरलिटी हो गई थी, और भी एक दो हैं जैसे कि गवर्नमेंट को नहीं पता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ये लोग चाहते क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जनरली नहीं बता पड़ा था क्योंकि जो लोग होते हैं बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बहुत कम होते हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता कि लोग चाहते क्या है। तो वो कुछ सोच के निर्णय लेते हैं, ना कि सबकी राय ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। तो भी इसकी एक कमी है। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत, ये भी एक डेमोक्रेसी कमी की हुई, क्योंकि सब दूध के धुले नहीं होते, जो अपने को जैसा दिखता है वैसा बिकता है, जैसा ऐसे कि हमने बहुत सुना है। तो जो कि चुनाव के टाइम पे जब जब लोग देखते हैं पार्टी को, जो रूल कर रही होती है उसके बारे में तो हम जानते हैं, तो जो रूल नहीं कर रही होती है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, उसकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है उन्हें हम न्यूज पेपर प्रेस में पढ़ लेते हैं, पर उस तो हम क्या देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे जो वो लोग हमें दिखाते हैं, हम केवल उन्हीं के आधार पर उनको निर्णय कर सकते हैं। तो लोग ज्यादा जानते नहीं है कि कौन उनके लिए सही है कौन उनके लिए गलत है। तो ये तो कुछ हुई कि कुछ आर्गूमेंट हुए जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसकी मैं शुरुआत करूंगा एक स्टोरी से। ठीक है, बात 1958 की है, 1958। ठीक है, बात है चाइना की। 1958 से लेके 1961 तक चाइना में फैमिन आया था, बोले अकाल पड़ा था बहुत बड़ा, चाइना फैमिन, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा अकाल था।
आज तक उसके बड़ा उससे बड़ा अकल नहीं पड़ा। उसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे, 3 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे की वजह से मर गए थे। ठीक है, तो हमने हमने मैंने बात की आपकी, की है 1958 से 1961 की। ठीक है, इससे 10 साल पहले हमारा देश भी आजाद हुआ था, तो हमारे देश की भी जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर वो कुछ चाइना के आसपास ही थी। ठीक है, फिर हमने फिर देखा कि चाइना में तो अकाल पड़ा, पर अपने देश में ऐसा कोई अकाल नहीं पड़ा। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन था डेमोक्रेसी थी अपने देश में, और चाइना में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं थी। हमारी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी इंडिया की, वो चाइना से बहुत अलग थी। चाइना के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्हें किसी को जवाब नहीं देना था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सिंगल पार्टी जो कि रूल करती थी उसकी मर्जी के हिसाब से। उससे किसी को जवाब नहीं देना था कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। वहाँ पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि दबाव बना सकती थी, या उनसे प्रेशराइज कर सकती थी कि नहीं यार, तुम लोगों को वहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए, वहाँ के लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम लोगों। पर इंडिया में जब जैसे कि डेमोक्रेसी थी, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसका जवाब बनता था कि हाँ, कि अगर लोग मरेंगे, अगर एक भी लोग मरेगा तो गवर्नमेंट सवाल उठा जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो इंडिया की पॉलिसी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने खाद्य भंडार थे इंडिया के, वो लोगों के लिए खोल दिया। ठीक है, इससे कि भुखमरी ना फैली और हमारे देश में कोई ऐसा काल नहीं पड़ा और काफी लोगों की जान बची, जैसा कि चाइना में ऐसा नहीं हुआ था। तो हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा डेमोक्रेसी की वजह से हुआ। तो डेमोक्रेसी का ये तो बहुत बड़ा फायदा है कि एक जवाबदेही के कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों के लिए वहाँ की जो नीड्स होती हैं वो पूरी की। ठीक है, तो ये हमने देखा डेमोक्रेसी का एक पॉइंट। अब तक हम पढ़ रहे थे चाइना के फेमिन के बारे में, कि चाइना में क्या क्या हुआ था। तो हमने देखा कि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, तो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, उसके रीजन थे। वो रीजन क्या थे जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे हमारे देश में डेमोक्रेसी थी, इसी वजह से हमारे देश में अकाल नहीं पड़ा। तो हम उसके कुछ आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं जो कि डेमोक्रेसी के सपोर्ट में आते हैं। शुरुआत करते हैं रेस्पॉन्डिंग टू न्यू पीपल नीड्स। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, और जो लोगों की जरूरत होती है ना, उसके लिए रिस्पॉन्स करना पड़ता है। नहीं करेगी तो उसे अपोजिशन पार्टी उस पर दबाव बनाएगी, लोग उस पर वहाँ के दबाव बनाएंगे, और अगर उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसने लोगों की जरूरतें पूरी नहीं की, तो लोग अगले वाले इलेक्शन में उसे वहां से हटा देंगे। तो वहां की जो गवर्नमेंट होती है, वो उसे लोगों की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। अगला है हमारा मोर अकाउंटेबल। मोर अकाउंटेबल मतलब गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले रही है, डिसीजन ले रही है, उसका उसे जवाब देना पड़ेगा कि वो ऐसा डिसीजन क्यों ले रही है। ठीक है, अगर चाइना की तरह हमारी गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देती, तो हमारे देश में काफी लोगों की मृत्यु हो सकती थी, और जिसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट पे काफी सारे सवाल उठाए जाते हैं, उससे जवाब देना पड़ता। ठीक है, काफी कई बार ऐसा होता है कि किसी की डेथ हो जाती है कुछ भी कारण से, जैसे कि कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम की डेथ हो गई थी, बीफ डेथ हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो बीफ काट रहा था, बीफ खा रहा था। तो उसके पीछे गवर्नमेंट, वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी, उसे जवाब देना पड़ा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। नॉन डेमोक्रेटिक में आप रूलर्स पे उंगली नहीं उठा सकते, अगर आपने रूलर्स पे उंगली उठाई तो आपको जेल में डाल देंगे, आपकी हत्या करवा सकता है, आपको सजा दे सकता है, आपको भी आपके परिवार को, वो उसकी मर्जी, वो क्या करे। ठीक है, एक होता है बेटर डिसीजन, जैसे कि हमने पहले देखा आर्ग्यूमेंट में, कि जो डिसीजन होते हैं वो बहुत लेट हो जाते हैं। ठीक है, काफी लेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेशन, मतलब कंसल्ट करनी पड़ती है लोगों से, वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी राय मांगी जाती है, असेंबली में राय मांगी जाती है, ये सही है गलत है, सबका निर्णय एक साथ कंबाइन होके फिर बताता कि हाँ ये निर्णय लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, पर इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसे आपने सुना दुर्घटना से तो देर भली। ठीक है, दुर्घटना से देर भली, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई डिसीजन लेना है, और डिसीजन केवल एक दो लोगों के लिए या कुछ 500 लोगों के लिए तो लिया नहीं जाना होगा, वो पूरे देश के लिए लिया जाना होगा। अपने इंडिया जैसी कंट्री जिसमें 121 करोड़ की आबादी है, अगर उसमें कोई डिसीजन लिया जाना है, तो समझ रहे हो ना, 21 करोड़ लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो डिसीजन बहुत अच्छा होना चाहिए और सभी लोगों के हित में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हर जगह उसकी राय ली जाती है, तो उससे क्या होगा कि टाइम तो लगेगा। ठीक है, बट जो डिसीजन में जो कमियां होंगी ना, जो निर्णय हो, जो विधेयक में या जो भी चीजें उसमें कमियां होंगी, वो सब बाहर आ जाएंगी, हर कोई अपना अपना डाउट क्लियर करेगा कि इसमें ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा ऐसा हुआ तो क्या हुआ। तो इससे क्या होगा, हमारे डिसीजन होंगे बहुत बेटर, वो बहुत अच्छे आएंगे डिसीजन। ये हमने देखा कि ये एक सपोर्ट में आता है डेमोक्रेसी के। अब अगला क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सही है, अगर काफी सारी राय मशविरा होंगे किसी भी आइडिया पे या किसी भी मतलब विधेयक पे, तो सीधी सी बात है जो हम डिसीजन लेंगे उसके लिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी होंगे, मतलब बहुत कहते हैं ना सबके लिए सबसे बेस्ट होंगे, वो अच्छी होगी। तो हमारी जो क्वालिटी होगी डिसीजन मेकिंग की, वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर कोई मैं अकेला राय दूं आपको, या 10 लोग मिलकर आपके राय दें,
तो सबकी राय से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो वो होता है कि काफी सारी जो कंसल्टेशन होती है उससे आपको क्या मिलता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो आपकी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो ऐसा केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता था कि राजा है उसने अपनी मर्जी से ले लिया या फिर उसने अपने एक मंत्री से पूछ लिया बस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, वोटिंग कराई जाती है, तो काफी कुछ कराया जाता है। ठीक है, अब प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस इन कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी कास्ट है, अमीर गरीब बहुत कुछ है। तो जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने धर्म है, एक धर्म में बहुत सारी कास्ट है। तो इस तरह के लोग हैं, तो सब अपने अपने भगवानों की पूजा करते हैं, सबकी अपने 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 विचारधारा अलग है, हर कोई वर्ल्ड को अपने अपने नजरिए से देखता है। ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री में फिर भी आप देखोगे यहाँ पे शांति है, मोस्टली टाइम यहाँ पे शांति रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है, इसका रीजन डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो किसी एक दल को, एक जाति को, एक समुदाय को या एक किसी धर्म को वो सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए सब बराबर है। ठीक है, इसी के कारण हम सब लोग, हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, वो भी शांति से, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ऐसा केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है। अगर ये कंट्री डेमोक्रेटिक ना होती तो क्या होता, जैसे कि आज़ादी के टाइम पे हुआ था कि लोगों ने डोमिनेट होने की कोशिश की थी, तो मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा था, पंजाबियों को मारा था और पंजाबियों ने मुस्लिमों को मारा था। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या होता है कि लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार हम सबसे ताकतवर है, हम रूल करेंगे। ठीक है, तो इसके चक्कर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सब बराबर है, ना तू बड़ा ना मैं बड़ा, ये सारी चीजें केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। तो ये क्या ना, बहुत सारे मतभेद और टकराव होते हैं ना, उनसे उनका बहुत अच्छा समाधान है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो ये हो गया कि प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वेलिटीज, हर किसी पॉलिटिकल इक्वेलिटी में क्या होता है कि हर किसी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार रहता है, अपने विचार रखने का अधिकार रहता है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, किसी भी बंदे को सपोर्ट कर सकता है। ये पॉलिटिकल इक्वेलिटीज है, यहाँ पे लोग अपने अपने हिसाब से अपना लीडर चुन सकते हैं, अपने हिसाब से अपने विचार रख सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एक जगह बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है। और अगला हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा कि पीपल आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्फ। वो बोल रहा है कि जो लोग हैं देश के, वो वहाँ का जो शासक है, रूलर है, उनका कोई कहना खिलौना नहीं है कि उसने जो चाहे वो कर दिया। वहाँ के जो लोग होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के जो लोग होते हैं, वो खुद एक रूलर्स होते हैं। कैसे, कि अब तो ये आ जाएगा कि सारे लोग, ऐसे इंडिया में सारे लोग थोड़ी ना शासन करते हैं, सारे लोग थोड़ी ना प्रधानमंत्री हैं, सारे लोग थोड़ी ना राष्ट्रपति हैं। तो इसका हम इस तरह से देखते हैं कि जो इस पॉसिबल तो हो नहीं सकता कि सब लोगों को तो आप एक जगह बिठा लो, ठीक है, या सब लोगों को प्रधानमंत्री बना दो। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, ठीक है, वहाँ पे आप अपना लीडर चुन सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग वोटिंग क्यों कराते हैं कि बहुत सारे लोग किसी एक बंदे में अपना कहते हैं धर्म आईना देखते हैं कि हाँ ये जो बंदा है वो हमारा सपोर्ट करेगा, हमारे हित में निर्णय लेगा, इसलिए वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उसको आगे भेजते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक्चुअली में वहाँ के लोग रूल तो नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री तो नहीं है, पर उनका खुद का कैंडिडेट, उनका जिताया हुआ कैंडिडेट वहाँ पे आके रूल करता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लोग खुद के, मतलब खुद एक शासक है, खुद के हिसाब से गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, खुद के हिसाब से रूल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इफ दे मेक मिस्टेक दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। मान के चलो लोगों ने एक बार किसी गलत नेता पे भरोसा कर लिया, तो क्या हुआ, उनसे गलती होगी, अगले चुनाव में वो उसे सुधार सकते हैं। ऐसा सुधारने का मौका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलता है और किसी गवर्नमेंट में नहीं मिलता। जैसे कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि जब मुगाबे प्रेसिडेंट बन गया था, तब तो अच्छी था स्टार्ट में, पर बाद में जब प्रेसिडेंट के चुनाव से हट गया था वो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट, उसने अपने आप को हमेशा के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर लिया, उससे क्या हुआ कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं रही, वो तानाशाह बन गया। ठीक है, तो लोगों को क्या ना, बाद में अधिकार भी नहीं मिला, जैसे कि लोगों को भटका दिया गया, उसने फ्रॉड किए तो लोग भटक गए, तो उन्हें अधिकार नहीं मिला कि वो अपने जो गलती उन्होंने की है मुगाबे को राष्ट्रपति बना के उसे सुधार सके। ठीक है, पर डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा हो सकता है कि जो गलती हम करते हैं उसे हमें सुधारने का मौका मिले।